अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चॉइस फॉर फूडी। आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद तिलक चाड़ी कुजी हलीम के सामने जद्दा चाट वाले के पास। बेसिकली जद्दा चाट वाले का जो एक पब्लिक का जो कहना है कि जद्दा चाट की जो चाट है बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत मशहूर है, और हमने भी यही सुना कि हैदराबाद वालों को अगर चाट खाने थे तो वो तिलक चाड़ी पे जद्दा की चाट खाते हैं, बट हमने टेस्ट नहीं की थी ना हमें इस बारे में पता है कि अगर टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। तो हम इसलिए यहाँ पर आए कि हम खुद भी टेस्ट करेंगे और पब्लिक का भी रिव्यू लेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। तो हमारे साथ रहिएगा, चले चलते हैं। तो जी, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं पहले पब्लिक का रिव्यू लूंगा फिर मैं टेस्ट करूंगा, तो अब मैं पहुंच चुका हूँ पब्लिक के पास। अब इनसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पर कौन सी चाट खाते हैं, कौन सी नहीं खाते और कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है जो इनको पसंद हो, फिर हम वही टेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? इरफान रफी। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे चाट कौन सी पसंद है और आप कब से आ रहे हैं जद्दा चाट? सर हम तो यहीं के रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं। मार्केट भी है, कभी काम हो जाता है तो मुसलसल यहाँ पे मेरा ख्याल चार पाँच साल से आप यहाँ। तो 4-5 साल से कौन सी सबसे ज्यादा चाट खा रहे हैं? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो ही चाट होती है, एक फ्रूट चाट होती है, एक सिंपल चाट होती है। फ्रूट चाट में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? फ्रूट चाट में ये गाय का भी होता है जी, एक तो उनका वैरायटी बहुत है, फ्रूट भी बहुत है उसमें, चीज हो जाता है या जेली हो जाती है वगैरह, और एक फ्रेशनेस होती है जल्दी बनाने। सबसे अच्छी बात की फ्रेशनेस होती है जी, और हम बैठते भी हैं तो उस हिसाब से इनकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, जल्दी बंदा आता है जल्दी फारिग भी होता है। एनवायरमेंट कैसा लगता है आपको? सर एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, जब भी आते हो जगह मिल जाएगा, यहाँ पे अक्सर जगह नहीं मिलती जी, रश। अच्छा, हमने भी लोगों से ही सुना था कि यहाँ रश बहुत होता है, हमने टेस्ट नहीं की थी इसलिए हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताने आए और आप लोगों का रिव्यू लेना है ताकि फिर हम खुद भी टेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज टेस्ट कर, कौन सी चाट जो है ना? सर हम तो यही जाएंगे, दोनों चीज टेस्ट करें, अगर पहली बार आए तो दोनों टेस्ट करें, रिव्यू मिल जाएंगे। तो भाई हमने इनसे रिव्यू लिया तो इन्होंने कहा कि दोनों चीज टेस्ट करें, बट इन्होंने जो ज्यादा एक मार्क्स दिए ना वो दिए फ्रूट चाट को, तो हम दोनों ही टेस्ट करेंगे और फिर दोनों का रिव्यू आप लोगों को बताएंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे इंटरव्यू की तरफ। चले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? वकास। अच्छा वकास, मुझे आप ये बताएं कि जद्दा चाट पर आप अभी आए हैं, तो जद्दा चाट दो तरीके की एक चाट है, तो आप कौन सी सबसे अलग है? यार हम तकरीबन जद्दा चाट पे 5 से 6 साल से आ रहे हैं और यहाँ पे दो चाट है, एक नॉर्मल है और एक फ्रूट चाट है, और जो हमारी जो फेवरेट है वो फ्रूट चाट है। फ्रूट चाट है, फ्रूट चाट मतलब सबसे ज्यादा आप क्या कहते हैं, फ्रूट चाट बेटर है। अच्छा, तो आप भी वही खाते हैं? जी हाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि फ्रूट चाट बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ की, तो अब हमने इनका तो रिव्यू ले लिया और हम खुद भी टेस्ट करेंगे सबसे ज्यादा फ्रूट चाट, क्योंकि इसका जो एक रिव्यू है बहुत अच्छा है, तो अब हमारे साथ रहेंगे। चले तो जी, पब्लिक का रिव्यू तो हमने ले लिया था, अब हम खुद यहाँ पे जो है ना चाट टेस्ट करने आए और यहाँ का जो तरीका किस तरह से बनती है कैसे नहीं बनती है वो सारी चीजें इनसे पूछेंगे, और इनसे ये भी पूछेंगे कि आखिर इस चाट में से क्या खास बात है कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप इनसे पूछते हैं और ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाकिर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे आप कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद है? हम 92 से दुकान खोली है, हम वैसे छोले चाट बेचते थे जी, मतलब कितने 28 साल हो गए? 28 साल से पहले से हम छोले बेचते आ रहे हैं, छोला चाट रेवड़े चाट चलाते थे हम। तो आपने स्टार्ट किया था या फिर? हैदराबाद के अंदर फूड चाट मैंने स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट किया? कराची में जाता था मैं, कराची देखता था और अपना फार्मूला लिया ये मैंने, और ये हैदराबाद में हमने स्टार्ट किया, उसके बाद सबने चालू किए, फिर सबने स्टार्ट किया। तो मतलब स्टार्टिंग करने वाले आप हैं, तो आपके माइंड में क्या आया था कि भाई हमें चाट ही स्टार्ट करनी है? जिद्दत डालनी थी कोई चीज में कि हम छोला चाट बेचते हैं तो फ्रूट चाट भी लोगों के अच्छी लगे जी, तो ये माइनस के अंदर फ्रूट चाट हमने चलाई है और ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा अच्छी चली है जी। अच्छा, ये जद्दा चाट जो है ये किसका नाम है? ये सोदिया, जैसे हम उमरा करने गए तो शहर का नाम है जद्दा, तो हमने बहुत से मदीना रखते हैं, मक्का रखते हैं, तो आपने जद्दा रखा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा मुझे पहले तरीका बताएं कि आप चाट बनाते कैसे? देखो हम फ्रूट होता है सारा, जो भी मसलन है मौसम का जो भी फ्रूट आएगा वो हम डालते हैं, सेब हुआ, खरबूजा हुआ, किन्नू हुआ। आप हमें बनाकर दिखाएं जी, बनाता हूं। अच्छा ये फ्रूट्स आपने इसमें पहले से कट करके रखे हैं? पहले से हम काट के रखते हैं माल को, फिर हम इधर काली मिर्ची, जीरा और काला नमक ये मिलाते हैं, सारी चीजें मिक्स करके केला हर क्या काटते हैं। अच्छा, और फ्रूट पहले से कटता है हमारा कारखाने में। अच्छा, और मैंने लोगों से भी रिव्यू लिया तो लोगों ने कहा फ्रूट चाट बहुत अच्छी है, तो इसलिए हमने कहा पहले हम ये टेस्ट करेंगे, तो आप ये जरा फ्रूट चाट हमें बना के देखते हैं। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने सारे जो फ्रूट्स हैं वो पहले से काट के रखे हुए हैं, उसमें सारी चीजें ये इन्होंने ऐड की हुई है, मसाले वगैरह ये वो, और ये भी हमारी गारंटी है कि एक दिन खराब भी नहीं होगा, ये सारा हम फ्रेश फ्रूट रखते हैं जी जी। अच्छा, फ्रेश है वो नजर आ रही है, क्वालिटी हमारी ऐसी होती है कि माशाल्लाह के। अच्छा ये आप क्या डाल रहे हैं इसमें? पापड़ी डालते हैं जी जी, पापड़ी है, कहीं भी नहीं चली होगी पापड़ी, ये हमने चालू किया है फ्रूट चाट में, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ।
और ये हम आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं जी। ये आप खुद बनाते हैं? ये हम खुद बनाते हैं। अच्छा, कोई भी चीज बाहर की नहीं है? बाहर की नहीं, अपनी है ज्यादा। सारी आप लोगों की है? हम ये माइनस चलाते हैं, हम ये बाजार की होती है जी, ये हम नहीं बनाते हैं। मायोनीज जो है जी, जी। मायोनीज है ये, हम जो है ना बाजार की। अच्छा, मायोनीज भी ऐड कर रहे हैं आप? अच्छा, ये जेली? ये जेली है, मतलब वही सारी चीजें आपने इसमें ऐड कर दी है। और ये शानदार तरीके से बना दिए, समझ लो। मुझे तो ये देखते ही बहुत जबरदस्त लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं खाते जाऊं, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। मतलब शक्ल जो बता रही है ना, तो जबरदस्त, क्योंकि इसमें जेली भी ऐड है, इसमें इन्होंने सारे फ्रूट्स ऐड करे हैं, मायोनीज ऐड करी हुई है। अब मैं खा के बताऊंगा कि कैसी है और कैसी नहीं। तो जी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारी चाट हो चुकी है पूरी तरीके से तैयार, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, मायोनीज भी है, जेली भी है, और जो इसमें फ्रूट्स हैं अलग अलग तरीके के। तो बस अब हम टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे। बहुत जबरदस्त फ्रूट चाट तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो पब्लिक का था रिव्यू वो भी यही था कि हमने फ्रूट चाट खानी है। और बाकी मैं भी अगर आया हूँ, मैंने सबसे पहले फ्रूट चाट ट्राई की, क्योंकि यहाँ के ऑनर जो थे उन्होंने भी मुझे ये बताया कि फ्रूट चाट बहुत अच्छी है, और मैंने टेस्ट किया तो वाकई बहुत शानदार चाट है ये वाली जो फ्रूट चाट है। तो अब हम दूसरी भी ट्राई करेंगे, पहले हमने ये ट्राई की, अब हम दूसरी ट्राई करेंगे। तो अब दूसरी ये तो हमने टेस्ट कर ली है, और आपको उसका रिव्यू दे दिया कि बहुत ज़बरदस्त चाट है, आप लोग भी आए तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन है। तो अब हम चलते हैं दूसरी चाट की तरफ। तो जी, आप फ्रूट चाट तो हमने जो है वो खाकर भी देख ली और टेस्ट भी करके देखा उसका, क्योंकि अंकल थे और अंकल ने बनाकर दी थी। अब अंकल, अब कौन सी दूसरी वाली जो है वो कौन सी, क्या नाम है उसका? ये चना चाट है, हम शुरू से बेचते हैं, हमारे वालिद साहब भी बेचते थे जी, जी। चाचा निसार अहमद के नाम से जी, जी। चना चाट, चना चाट। तो अब हमें वो बनाकर आप दिखाएं, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, सारी चीजें हमें। आलू प्याज दही बड़े मिक्स होते हैं, पापड़ी होती है, सलाद सारा होता है, दही होती है, इमली की चटनी होती है। तो अभी आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? अभी हम चने डाल रहे हैं जी, चने के बाद दही बड़े रखेंगे हम जी, आलू डालेंगे, आलू डालेंगे, मतलब आप इसको पूरे सारी चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं, चने चाट प्याज टमाटर वगैरह ये। अच्छा, ये भी आता है, इसमें पापड़ी ऐड कर, हां इसमें भी पापड़ी डालेंगे जी। अच्छा, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वाली फ्रूट चाट में? ये वो मीठी होती है जी, जी। ये नमकीन में होती है, ये नमकीन में, और ये इमली की चटनी में होती है, दही में होती है, वो माइनस में होती है जी, जी। और वो मीठी होती है, मतलब ये इसमें वो है मिर्ची है थोड़ी सी इसमें, हां मिर्ची होती है, स्पाइसी होती है, स्पाइसी होती है, सही है। चाट मसाला डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं, लाल मिर्ची डालते हैं, जीरा डालते हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है इसमें क्या क्या चीज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं असल में वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि प्राइवेट भी दायरे लोकेशन होती है हर बंदे की, तो इसलिए वो चीजें ऐड कर रहे हैं, और मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, फिर मैं खुद भी टेस्ट करूंगा ये वाली चाट ये कैसी है कैसी नहीं है। बाकी फ्रूट चाट तो बहुत जबरदस्त थी, जो ये इमली की चटनी है जी, और अपना इसमें हम केचप भी डालते हैं जी, ये भी इमली की होती है, ये भी इमली। अच्छा, केचप भी इमली का है? हाँ, केचप इंटरेस्टिंग बात की, केचप है वो भी इमली का है, और ये दही डालते हैं। अच्छा, वो आपका खुद का है? हाँ जी, हमारा खुद का है, वो भी नहीं का खुद का है, तो मतलब जो जितने आपके वो मसाले वगैरह सारी चीजें वो खुद के तैयार, मान लो दही भी हम अपना खुद का जमाते हैं। इंटरेस्टिंग बात है ये तो, कि सारी चीजें इनकी खुद की है, ये कोई भी बाहर की कोई भी चीज इसमें ऐड नहीं करते, और इनको 28 साल हो गए इस चीज को, मतलब चार्ट को अपन किए हुए, लॉन्च किए हुए, और ये कहते हैं इनका जो कहना है कि हैदराबाद में सबसे पहले लॉन्च करने वाले हम हैं। अब हमारी चाट हो चुकी है तैयार, अब हम इसका टेस्ट भी करेंगे और इसका फिर आप लोगों को रिव्यू भी देंगे। फ्रूट चाट को हम दे चुके हैं, अब हम इसका रिव्यू आपको देंगे। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। तो जी, अब हमारी जो है चना चाट वो भी रेडी हो चुकी है, इसमें जो इन्होंने पापड़ी ऐड की हुई है, दही ऐड किए हुए, और ऊपर के मसाले, छोले, पुदीना, हर चीज इसमें जो है ना इन्होंने ऐड की हुई है, स्पाइसी की तरीके इसको बनाई है, वो तो हमने ट्राई कर ली थी, अब जरा हम ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इन्होंने क्या क्या चीजें इसमें ऐड की हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट आ रहा है ना, सबसे ज्यादा टेस्ट वो इसका जो मसाला है, इसकी जो पापड़ी है, तो बेहतरीन टेस्ट है, कि इनका जो खुद का जो मसाला है वो बहुत जबरदस्त है। सबसे ज्यादा मुझे टेस्ट आ रहा है ना, वो आ रहा है इसको
जो इसमें जो मसाला इन्होंने ऐड किया हुआ है ना चटनी का, वो एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आए और दोनों इस दोनों जो इनकी जो चाट है वो दोनों ट्राई करें। सबसे ज़्यादा तो फ्रूट चाट तो बहुत ज़बरदस्त है और कोई इतनी हाई प्राइस नहीं है। ये वाली जो चाट है ये 120 की है और वो दूसरी वाली जो चाट है वो 140 की है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आए और ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन का बटन नजर आ रहा है वो आपको लाजमी दबाना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि आपके खाने के बारे में अगर हमें पब्लिक को बताना हो, वो किसी भी तरीके का होटल या रेस्टोरेंट या स्टॉल या ठेला कोई भी हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट में हमें बताएं, हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं ताकि हम आपके खाने के बारे में लोगों को बताएं और खुद भी टेस्ट करके बताएं कि वो आपका खाना कैसा है, कैसा नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है और कैसा नहीं है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।